क्या हाल चाल दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आज बहुत ही शानदार वीडियो है आपके लिए। अगर आपको भी एक दासू भाई साहब चाहिए, जैसे इस तरीके से कि आपको भी पब्लिक के अंदर बहुत ही शानदार अटेंशन मिले, अट्रैक्शन मिले, तो ये वीडियो खास करके आपके लिए। आज हम जिस भाई साहब रूटीन की बात करेंगे वो है हैमर कर्ल्स। मेरी पर्सनल फेवरेट है, मैं खुद इसको प्रीफर करता हूँ। बहुत ही शानदार वर्कआउट है। आप इस वर्कआउट को अच्छे से देखना किस तरीके से परफॉर्म करना है। ये कंपाउंड मूवमेंट्स के अंदर आती है और इसका याद रखिएगा कि इसमें कभी भी वेट मैटर नहीं करता है। मतलब जब भी आप इसको परफॉर्म करोगे ना, इस तरीके से मत करना यू नो कि आपसे वेट संभल नहीं रहा और वो डिसबैलेंस हो रहा है। बस ये दो तीन चीज़ों का मैं आपको करके बता देता हूँ किस तरीके से होती है। सबसे पहले हैमर कर्ल्स के लिए आपको चाहिए अपने वेट अनुसार डंबल, जिससे आप बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से आप लगा सकते हो। मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ 7.5 किलो के डंबल। मेरा सबसे कंफर्टेबल वेट है, आप देख सकते हो इतने बड़े बाइसेप और सिर्फ 7.5 किलो। इसका यही सबसे बड़ा सीक्रेट है कि भाई फॉर्म बहुत ज़रूरी है। तो मैं बता देता हूँ, अपनी बैक को स्ट्रेट करके, अपनी चेस्ट की मसल को स्ट्रेट करके आपको हैमर कर्ल्स इस तरीके से परफॉर्म करनी है। प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेच। अब इसमें दो तीन खास चीज़ है, उस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना। सबसे पहले जो आपको रिस्ट बनानी है ना, बिल्कुल इस तरीके से नहीं रखनी है कि आप उसको डंबल के ऊपर अड़ा के रखो। आपको हल्का सा ये जो गैप दिख रहा है ना, इस गैप में अपने हाथ को प्लेस करना है टाइट, ताकि आपकी रिस्ट पे भी कॉन्ट्रैक्शन बना रहे और आपकी फोर आर्म्स एक्टिव रहे। क्योंकि अगर आपकी फोर आर्म्स डीएक्टिवेट हो गई ना, तो आपकी रिस्ट इस तरीके से बैंड हो सकती है और आपको इंजरी होने के चांस है। अपनी एल्बो को, अपनी रिस्ट को टाइट कर लिया, देन आपको डिसाइड करनी है अपनी एल्बो का एंगल कि आपको प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन किस पार्ट पे आता है। याद रखिएगा, जब भी हमारा बाइसेप स्ट्रेच होता है ना, हमारी ट्राइसेप स्क्वीज होगी। अगर देखो, आप मूवमेंट देख सकते हो, ये मेरी बाइसेप स्ट्रेच हुई तो मेरी ट्राइसेप स्क्वीज होती है। अगर दोनों मसल इंटर रिलेटेड काम कर रही है, देन आपकी प्रॉपर बाइसेप का हिट करेगा ही करेगा। आपको किस तरीके से करनी है, अपने शोल्डर को डाउन रखे, शोल्डर को ऊपर नहीं लेना। लोग इस तरीके से लगाते हैं, आपने अपने जिम में देखा होगा, ऐसे झूला झूलते हैं और लगाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, अपनी बाइसेप, अपने शोल्डर को डाउन रख के प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट करना है, देन स्क्वीज करना। आपकी ट्राइसेप मसल भी स्क्वीज होनी चाहिए। ट्राइसेप स्क्वीज होगी तब जाके आपका बाइसेप का लॉन्गर स्ट्रेच आएगा, और कॉन्ट्रैक्शन दोनों प्रॉपर आना चाहिए। ये दो तीन चीज़ों के अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है इस चीज़ से रिलेटेड, या आपको प्रॉपर डाइट प्लान चाहिए या वर्कआउट प्लान चाहिए आपके हिसाब से, तो कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करना, मैं डेफिनेटली आपका आंसर करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।